हेलो एवरीवन, सो आज का जो वीडियो है वो है कावेरी निसर्ग धाम का। जैसे ही आप मेन गेट के अंदर एंटर करोगे आपको राइट साइड में पार्किंग एरिया मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। यहाँ के जो चार्जेस है, फोर व्हीलर्स के 30 रुपीज़ है, टू व्हीलर्स के 20 रुपीज़ है, टेम्पो के 100 रुपीज़ है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर एडल्ट्स के टिकट पर हेड 60 रुपीज़ है, किड्स के टिकट 30 रुपीज़ है। ये है हैंगिंग ब्रिज, इसके थ्रू हम आइलैंड को एक्सेस करेंगे। इस ब्रिज के नीचे आप रिवर भी देख सकते हो। ये जो रिवर है वो कावेरी रिवर है, यहाँ पे बोटिंग्स भी अलाउ है। यहाँ का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 5:30 तक है। हैंगिंग ब्रिज के राइट में आपको बोटिंग एंट्रेंस मिल जाएगी। यहाँ की जो फी है वो 2 seater के लिए 100 रुपीज़ है, 4 seater के लिए 200 रुपीज़ है। पूरे आइलैंड पे घूमने के लिए रास्ता बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, आप देख सकते हो। कावेरी निसर्ग धाम का जो लोकेशन है वो 3 kilometers है कुशाल नगरा से एंड 30 kilometers है फ्रॉम मडिकेरी। यहाँ पर कोडागू के जो ट्राइबल पीपल है उनकी लाइफस्टाइल दिखाई गई है कि वो कैसे रहते हैं। कावेरी निसर्ग धाम जो आइलैंड है वो एक्सेसिबल है हैंगिंग ब्रिज से, और इसका जो एरिया है वो 64 acre आइलैंड पे है। और यहाँ पे बैम्बूज के ट्रीज हैं, सैंडलवुड ट्रीज हैं, टीक ट्रीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर डियर पार्क भी है, बर्ड पार्क भी है, और यहाँ पे जिप लाइन भी अवेलेबल है। ये निसर्ग धाम का डियर पार्क है। यहाँ पे रोप जिप लाइनिंग भी है जिसके चार्जेस 100 रुपीज पर हेड है। ये बर्ड पार्क है जहाँ पर फीडिंग सेक्शन भी है, वाटरफॉल भी है। बर्ड पार्क की टिकट 30 रुपीज़ पर हेड है। अगर आप फोटोज़ क्लिक करवाना चाहते हो बर्ड्स के साथ तो आपको 60 रुपीज़ अलग से पे करने होंगे, जो कि टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। आप यहाँ पे बर्ड्स को फीड भी कर सकते हैं। फीडिंग के लिए जो फूड है वो आपको केयर टेकर प्रोवाइड करवा देंगे इन अंदर ही, और आप यहाँ पर बाहर से कोई फूड ला के इन बर्ड्स को फीड नहीं कर सकते। ट्राई ओपन ओपन
No, it's my watch. It's not good. No. 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 Next. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इगुआना को टच करने का, बहुत ही स्केरी एक्सपीरियंस था। अगर आप मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग में तो इतना डिफिकल्ट हो रहा था उसको टच करना, बट एंड में आते आते मैंने उसको हाथ में ले लिया, अच्छा लगा। आइलैंड पर भी आपको कुछ फूड शॉप्स मिल जाएगी, अदरवाइज मेन आइलैंड पे तो बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।